हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे RRB NTPC एग्ज़ाम था, 5 मार्च पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी खत्म हुआ है। किस तरीके सवाल आ रहे हैं इन लोगों से जान लेते हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 86। आपने? 82। 83। 93। आपने सबसे ज़्यादा किए हैं। करंट और GS की बात करें तो कैसे सवाल देखने को मिले? करंट ठीक थी, GS भी ठीक थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। सवाल याद है कुछ? क्या? हाँ, सवाल याद है। सवाल ये था कि 2019 में रक्षा मंत्रालय करंट में यह था, रक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है? अच्छा, तो राजनाथ सिंह जी को दिया गया, वो क्लियर है। और भी थे, एक और था जिसमें नौसेना अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था कि दिसंबर 2020 में नौसेना अध्यक्ष कौन था? भारत योजना कहाँ से स्टार्ट करी गई, मतलब किस वो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? अच्छा, तो भारत योजना से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है या नहीं है, इस वजह इस ऐसा क्वेश्चन था। आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? वो ठीक, संविधान से जुड़ा हुआ सवाल। संविधान से एक आया था, अनुसूची वाला आया था, कोई दोहरी नागरिकता किस उसकी है, किस देश की है दोहरी नागरिकता, मतलब किन दो देशों में? अच्छा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। हाँ, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में कोई आंसर था उसका। कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल आए थे? दो से तीन क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से रिलेटेड। सवाल थे, एक तो था PROM का फुल फॉर्म क्या है, PROM का प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी का, ओनली मेमोरी ठीक है, PROM का, और एक ये था और प्रोसेसर के बारे में था। कोई पर्यावरण से संबंधित कोई सवाल आया? पर्यावरण से था, एक क्वेश्चन था पर्यावरण से, एक क्वेश्चन था, वो याद नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन था पर्यावरण से, था पर्यावरण से आया है। अच्छा, ये सबसे कम उम्र में कौन जीता था, लोकसभा कौन जीता था, सबसे कम उम्र का लोकसभा सांसद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं था? कर नहीं था। जिसमें एक वो था कि हाउस टैक्स, एक हाउस टैक्स था और एक था ऐसे करके, एक था लाल वाल पॉल की, वो लाल पॉल बॉल, ये कहाँ के कौन सा स्थान था, ये रहने वाले कहाँ से, जन्म स्थान कहाँ इनका? हाँ, और उसका एक आया था जन्म सिद्ध हमारा अधिकार कौन सा, वो किसने दिया, वो जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, वो किसका नारा था? एक मंदिर था, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है एक्चुअली? हाँ, स्थित है। और एक भूगोल से एक क्वेश्चन था कि निम्न में से प्राकृतिक आपदा जो रीजनिंग में आता है कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन है, जिसमें हाँ जिसमें ज्वालामुखी था, भूकंप था, बाढ़ था, और एक और था क्या था उसका, एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट। उसे क्या सवाल थे? एक हार्ट से संबंधित था, एक हार्ट ECG की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ECG की फुल फॉर्म, आँख का रोग, विटामिन वगैरह का, विटामिन त्वचा और आँख की बीमारी की किस विटामिन की कमी से होती है। अच्छा, मैथ पे थोड़ा सा बात करें तो मैथ किस तरीके की देखने को मिली? मैथ इजी टू मॉडरेट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। LCM SCF से आए थे? LCM एक क्वेश्चन था, LCM SCF से, जिसमें मासा दे रखा था 4 और उन दोनों संख्या का गुणनफल था 64, और संख्याएं पूछी थी। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? सबसे ज्यादा औसत और माध्यिकाएं में ज्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क एक क्वेश्चन था, किस तरीके का था? ये था कि ए और बी में 3:1 का अनुपात है, ए बी से 3 गुना कार्य ज्यादा कुशलशील है, तो ए की कार्य क्षमता अगर 25 दिन है तो बी की ना, ए की कार्य क्षमता 20 दिन है तो बी की कार्य क्षमता बता दी। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आया था कोई? टाइम एंड डिस्टेंस से हाँ एक आया था। ए और बी की चाल 15-20 दी थी और उसमें समय पूछ रहा था। और क्या था? वो दोनों, वो ए और बी की डिस्टेंस दी हुई थी, उन दोनों मिलेंगे कब, वो ये पूछ रहा था बस। मेंसुरेशन से भी गोले का क्वेश्चन भी था उसमें वो एक पूछा था उसकी, अगर नहीं वो घन का था, घन स्क्वायर का, 524 का मतलब रूट में 524 और -244 इनका स्क्वायर का मान पूछा था इनका। अच्छा, ज्योमेट्री से भी आए थे? ज्योमेट्री से आया था, आए थे बट याद नहीं है। बहुभुज का आया था, अंता कोण 108 दिया था, उसका बाह कोण पूछा था उसमें। हाँ, अच्छा, इससे परसेंटेज से तो है, 2-3 क्वेश्चन आते परसेंटेज आए थे। हाँ,
टेक्नोमेट्री से भी हैं दो तीन क्वेश्चन, नहीं तीन क्वेश्चन थे टेक्नोमेट्री से, तीन चार क्वेश्चन थे जिसमें टेन एक्स का मान पूछा गया था और साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स बराबर था रूट फाइव टेन एक्स, तो उसमें टेन एक्स का मान पूछा था। अच्छा आप थोड़ा सा रीजनिंग पे बात करें तो रीजनिंग कैसे थी? रीजनिंग सही थी, रीजनिंग में उसमें की बार ना बदल के रखे, कुछ टफ क्वेश्चन थे इसमें तीन चार, कोडिंग डिकोडिंग से, हाँ कोडिंग डिकोडिंग सवाल होंगे, तीन चार क्वेश्चन, हाँ तीन चार आराम से होंगे। क्या सवाल थे कुछ याद है? सिंपल थे ज़्यादा वैसे नहीं थे सवाल, एक ए बी सी डी सीरीज थी उसमें ए बी सी डी को फिल करना था और एक कुछ संख्याएं दी हुई थी उसमें करना था उसमें, हाँ एक लास्ट वाला अंक पूछा था वो कौन सा होगा। सेटिंग अरेंजमेंट से भी आए, सेटिंग अरेंजमेंट से था, एक क्वेश्चन था वो लेकिन बड़ा था काफ़ी, लैंग्वेज उसकी बड़ी थी, सीरीज से नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से भी दो क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से भी दो क्वेश्चन थे, हाँ वो उसमें वो संख्याओं को डिफरेंस दिया गया था, डिफरेंस करके संख्या निकालनी थी, संख्या संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ था उसमें डिफरेंस करके संख्या निकालनी थी। ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन थे, उसमें वही था का ए बी का संबंध ये है, ए बी का ये है, ए बी का वो है, तो उसमें और बी का भतीजा कौन है, ऐसे कुछ दे रखा था स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से, हाँ दो थे, एक क्वेश्चन तो मुझे याद है जिसमें दे रखा था कि सभी महिलाएं नृत्य की, एक कक्षा में सभी महिलाएं नृत्य की हैं और सभी नृत्य की अच्छे कलाकार हैं और कुछ कलाकार लड़के हैं, तो ऐसा करके कुछ और आगे क्वेश्चन था। और कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग में से भी आए थे कुछ, क्या आए थे बट याद नहीं, हाँ ध्यान नहीं हो, अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन। तो देखा दोस्तों किस तरीके सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2020 से जुड़े उस करंट अफेयर के सवाल देखने को मिले, वहीं पिछले वर्षों में जो विभिन्न पदों पर रहे हैं जिस तरीके से उन सवालों को भी पूछ लिया गया। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल, ज्योग्राफी से जुड़े हुए सवाल, इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं, वहीं हिस्ट्री से भी तमाम सवाल पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़न पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहां से परचेज कर सकते हैं, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।